भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है। सौरभ गांगुली को यह धमकी किसी अज्ञात शख्स ने चिट्ठी लिखकर दी है। दरअसल गांगुली को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी। उन्हें जो धमकी भरा पत्र मिला उसमें कहा गया है कि वे मिदनापुर में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत ना करें। गांगुली ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि 7 जनवरी को उनके घर एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा पत्र भेजा था। उस पत्र में लिखा है कि अगर वो 19 जनवरी को पश्चिम मिदनापुर की विद्यासागर यूनिवर्सिटी में होने वाले खेल के कार्यक्रम में शामिल हुए तो वो वापस नहीं लौट पाएंगे। वहीं गांगुली ने इस घटना की जानकारी आयोजकों को भी दे दी है। हालांकि सौरभ गांगुली ने यह नहीं बताया कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे या नहीं। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस बात की जांच में जुटी है कि गांगुली को यह धमकी किस संगठन या किस व्यक्ति की ओर से मिली है। तो एक कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए किसी ने गांगुली को धमकी भरा पत्र भेजा है। धमकी देने वाले ने यह पत्र उनकी मां को भेजा जिसमें कहा गया है कि अगर गांगुली ने यहां आने का दुस्साहस किया तो आप फिर उसका चेहरा नहीं देख पाओगी। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। देखते रहिए डीबी लाइव।